फ्लेम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसे डिफरेंट मेटल को उसके फ्लेम के कलर के हिसाब से डिटेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट, फ्लेम टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नज़रिए से, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे इस फ्लेम के बारे में, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जेई मेन या नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। 2016 में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इसलिए इस फ्लेम को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं, ये हमारा फ्लेम है, इसको बुनसेन बर्नर भी कहा जाता है। तो ये जो जब इस बर्नर को जलाया जाता है तो ये एक्चुअली फ्लेम है स्टूडेंट, और इस फ्लेम में तीन रीजियन होता है, हम साफ तौर पर देख रहे हैं। सबसे बाहरी वाला हिस्सा जिसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है, उसके बीच में और एक हिस्सा, और सबसे अंदर में एक हिस्सा। तो जब से जो स्टूडेंट जो सबसे बाहर है, हम कह सकते हैं सबसे बाहरी वाला फ्लेम का जो हिस्सा है, इसका कलर होता है ब्लू कलर का। ये स्टूडेंट ब्लू कलर का होता है। मिडिल में जो हिस्सा है ये येलो कलर का होता है स्टूडेंट, ये पीला या येलो कलर का होता है। और सबसे अंदर में जो होता है जिसको हम कह सकते हैं इनर मोस्ट, ये स्टूडेंट डार्क कलर का होता है, मतलब हम ब्लैक भी कह सकते हैं। ये फ्लेम का तीन हिस्सा है। अब तीन हिस्से का ये तो कलर हमने देखा, इसका अलग अलग नाम भी है, और स्टूडेंट इसका काम या टेम्परेचर भी अलग अलग है। ओके, ये जो तीन कलर का जो तीन जोन है, इन तीन जोन का नाम भी अलग अलग है। सबसे बाहरी वाला जो ब्लू कलर का हिस्सा होता है, यहाँ एक्चुअली क्या होता है, इस बर्नर में से जो फ्यूल का कम्बसन हो रहा है, फ्यूल जो जल रहा है, उसका यहाँ पर कम्बसन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन फ्लेम, ऑक्सीडेशन फ्लेम। बाहरी वाला जो ब्लू कलर का हिस्सा होता है, यहाँ फ्यूल का कम्बसन सबसे अच्छा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन फ्लेम, या इसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग जोन। फ्लेम को ऑक्सीडेशन फ्लेम कहा जाता है, और इस फ्लेम के अंडर में जो इलाका होता है उस इलाके को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग जोन। अब ऑक्सीडाइजिंग जोन ये भी है, और स्टूडेंट ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा भी है, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा। तो ये जो ऑक्सीडेशन फ्लेम है, इसके अंडर में ये जो पूरा एरिया है, पूरे एरिया को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग जोन। तो ऑक्सीडाइजिंग जोन में ऊपर का जो हिस्सा है इसको कहा जाता है हायर ऑक्सीडाइजिंग जोन, और इस हिस्से को कहा जाता है लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन। स्टूडेंट नोट करेंगे कि इस इलाके का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको कहा जाता है हायर ऑक्सीडाइजिंग जोन, और ये जो साइड का हिस्सा होता है लोअर हिस्सा, इसको कहा जाता है लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन। ओके, अब ये जो मिडिल का जो येलो कलर का फ्लेम का पार्ट है, इस हिस्से को स्टूडेंट कहा जाता है, जैसे इसको ऑक्सीडेशन फ्लेम, इसको कहा जाता है रिडक्शन फ्लेम, इसको स्टूडेंट कहा जाता है रिडक्शन फ्लेम, इसको रिडक्शन फ्लेम कहा जाता है। तो रिडक्शन फ्लेम का भी ऊपरी हिस्सा है, निचले हिस्सा है। रिडक्शन फ्लेम को हम अगर ध्यान से देखें तो उसका भी ऊपरी हिस्सा है, उसका भी निचले वाला हिस्सा है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको भी कहेंगे हायर रिडक्शन जोन, और ये नीचे का जो हिस्सा है येलो कलर का, इसको कहेंगे लोअर रिडक्शन जोन। ओके स्टूडेंट, ऊपर का जो हिस्सा जहां पर हम पेन को दिखा रहे हैं इसको कहेंगे हायर रिडक्शन जोन, और इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, लोअर रिडक्शन जोन। और जो बीच का छोटा वाला हिस्सा, ये एक्चुअली स्टूडेंट डार्क कलर का होता है, इसको डार्क जोन भी कहा जाता है। यहाँ एक्चुअली फ्यूल का कंबसन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन भी नहीं होता। अब जो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इस फ्लेम का टेम्परेचर कहाँ कितना होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखेंगे कि जो सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा है जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन फ्लेम, इसी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ऑक्सीडेशन फ्लेम बहुत बड़ा है तो इसका टेम्परेचर हर जगह पर एक नहीं होता है। तो हम याद रखेंगे ये जो रिडक्शन फ्लेम है मिडिल वाला पार्ट येलो कलर का, ये रिडक्शन फ्लेम जहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ऑक्सीडेशन फ्लेम शुरू हो रहा है, इस पॉइंट में कॉम्बसन सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इस बर्नर में जो गैस निकल रहा है, जो जल रहा है, उसका कॉम्बसन इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट, देख रहे हो क्लियरली, जहाँ पर येलो फ्लेम ख़त्म होके, मतलब रिडक्शन फ्लेम ख़त्म हो रहा है और ऑक्सीडेशन फ्लेम शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। और इस जगह का टेम्परेचर स्टूडेंट लगभग लगभग 1500
60 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है इस जगह का टेम्परेचर, नोट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं हॉटेस्ट जोन, इस फ्लेम का हॉटेस्ट जोन हम इस जगह को कह सकते हैं। इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, जैसे इसको हम ऑक्सीडेशन फ्लेम का मिडिल पॉइंट कह सकते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाएगा और लगभग लगभग 1550 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, और थोड़ा ऊपर चला जाएंगे, यहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन फ्लेम खत्म होने वाला है, तो वहां टेम्परेचर स्टूडेंट और थोड़ा सा घट जाएगा और यहाँ लगभग लगभग 1540 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखना है कि ये जो पॉइंट है जहां पर येलो फ्लेम खत्म हो रहा है, येलो फ्लेम का जो टॉप हिस्सा है, यहाँ कंबसन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी सबसे ज्यादा होता है, यही इसीलिए यहाँ पर कंबसन सबसे ज्यादा होता है और यहाँ का टेम्परेचर होता है 1560 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस फ्लेम का हॉटेस्ट जोन है। और ये जो बीच का हिस्सा है स्टूडेंट, जिसको कहा जाता है रिडक्शन फ्लेम या रिडक्शन जोन, इसका टेम्परेचर इस पॉइंट पर, जहां पर ये डार्क स्टूडेंट, ये जो डार्क जोन ये खत्म हो रहा, इसका जो इस पॉइंट पर इसका टेम्परेचर लगभग लगभग स्टूडेंट 520 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और बचा हमारा जो मिडिल जोन है, जिसको हम स्टूडेंट डार्क जोन कह रहे थे, जहां पर एक्चुअली रिएक्शन होता नहीं है, इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये हमारा बन गया, क्या हो गया, इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो हम कहेंगे कि ये सबसे कूलेस्ट, ये जैसे हॉटेस्ट है, ये सबसे कूलेस्ट जोन बन गया। ओके स्टूडेंट, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कह रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कंबसन कंप्लीटली होता है। और जो मिडिल का पॉइंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होता है, इसलिए कंबसन कंप्लीटली नहीं होता है। और यहाँ पर कार्बन पार्टिकल भी जनरेट होता है, इसीलिए ये कार्बन पार्टिकल जनरेट होने के चलते, ये जो येलो वाला जो फ्लेम है, इसी के चलते यहाँ पर काला कलर का धुआं निकलता है, क्योंकि यहाँ कार्बन पार्टिकल बन रहा है और कंबसन कंप्लीट नहीं हो रहा है। और डार्क वाला जोन है, यहाँ पर तो स्टूडेंट एक्चुअली रिएक्शन होता नहीं है। तो ये फ्लेम का पूरा हिस्सा, किसका कलर क्या है, किसका नेम क्या है, कहाँ पर कैसा रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के अमाउंट कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कंबसन कंप्लीट होता है, कहाँ मॉडरेट होता है, और किस जगह का टेम्परेचर कितना है, कौन हॉट जोन है, कौन वाला जोन कूलेस्ट जोन है, ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। इन्हीं सभी चीज़ों पर एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।